हेलो स्टूडेंट दिस इज लाइबा तारीू बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर फ्रॉम टॉट पीके इन अ ब्रीफ ओवर चैप्टर थ्री डेली बेसिस थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आर गोइंग ऑन इन योर सेल्स एंड द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन इन अ सेल इज नॉन एज मेटाबोलिज्म कभी आपने सोचा हाउ दिस दिसक्शन हैपन इन योर बॉडी आप ऐसा करें किसी फैक्ट्री के काम करते हुए वर्कर्स को देखें किस तरह ये वर्कर्स अपने हिस्से का काम स्मूथली और एफिशिएंटली कर रहे होते हैं अगर ये ना हो तो फैक्ट्री रन नहीं कर सकती बिल्कुल इसी तरह इंजाइम्स आर द वर्कर्स दैट परफॉर्म द मिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शन इन योर बॉडी विदाउट एनी प्रॉब्लम सो इन्म्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन विदाउट बींग इन्वॉल्व इन द रिएक्शन इन्जाइम्स को हम ऑर्गेनिक कैटलिस्ट का नाम भी देते हैं इनको कैटलिस्ट का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को विदाउट बीइंग यूज्ड। इन्जाइम कैन वर्क इन साइड एज वेल एज आउट साइड ऑफ द लिविंग सिस्टम अब हम बात करते हैं इंजाइम के स्ट्रक्चर की मोस्ट ऑफ द इंजाइम आर ग्लोबलर प्रोटीन इन नेचर एक्सेप्ट फॉर द राइबोजाइम दैट कंसिस्ट ऑफ दर एन ए बिल्कुल इसी तरह सारे इंजाइम्स के पास एक एक्टिव साइड होती है जिसके साथ सब आकर अटैच होता है और रिएक्शन परफॉर्म होता है जिससे हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल द रिएशन आर बेसिकली परफॉर्म बाई द एक्टिव साइड ये एक्टिव साइड बेसिकली हम दो फंक्शनल रीजन में डिवाइड करते हैं पहली होती है बाइंडिंग साइट बाइंडिंग साइट वो होती है जहां पे सबस्ट्रेट जो है वो किसी भी एक्टिव साइट के साथ आकर बाइंडिंग करता है दूसरी होती है कैटेलिटिक साइट जहां पे ये रिएक्शन परफॉर्म होता है चले अब बात करते हैं कोफैक्टर्स की कभी समटाइम्स कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी होते हैं जो कि अलोन वर्क नहीं कर सकते दे नीड अ हेल्पर टू कैरी आउट देयर रिएक्शन उन हेल्पर्स को हम कोफैक्टर्स कहते हैं कोफैक्टर्स आर द नॉन प्रोटीन पार्ट दैट एक्टिवेट्स द इंसाइन अगर आप स्क्रीन पे आने वाली अपनी डायग्राम को देखें तो आप देख सकते हैं कि इंजाइम विदाउट अ दा को फैक्टर इज इनकम्प्लीट एंड इनएक्टिवेटेड और इसको हम एपो इंजाइम कहते हैं जैसे ही एक को फैक्टर इंजाइम के साथ अटैच होता है इंजाइम एक्टिवेट हो जाता है और उस कंडीशन को हम होलो इंजाइम कहते हैं होलो अपना रिएक्शन जो है वो परफॉर्म करता है बाय बाइंडिंग टू दी सबस्ट्रेट हमारे पास दो टाइप्स के को फैक्टर्स हैं एक इनऑर्गेनिक कोफैक्टर इन ये मोस्टली मेटालिक आइंस होते हैं जैसे मैग्नीशियम और इनको हम एक्टिवेटर्स भी कहते हैं दूसरे हमारे पास आते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर ऑर्गेनिक कोफैक्टर यूजली ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं और इनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वाइटामिन बी ऑर्गेनिक इन नेचर है और उसको हम मॉडिफाई करते हैं टू यूज़ इट एज अ कोफैक्टर अब हम बात करते हैं इंसाइन के मैकेनिज्म की इंसाइन के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट दो मॉडल्स को यूज़ करते हैं पहले मॉडल को हम लॉक एंड की मॉडल कहते हैं जो कि प्रपोज किया था एम एल फिशर ने इन 1869। इस मॉडल के अकॉर्डिंग आपके जो शेप ऑफ द इंजाइम है वो रिजिट है और उसकी अपनी एक खास शेप है जैसे अगर आप लॉक के अंदर की को डालें तो हर की एक स्पेसिफिक लॉक से ओपन होती है बिल्कुल इसी तरह किसी भी इंजाइम की एक्टिव साइट जो होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है उसकी शेप ऑफ द सबस्ट्रेट से जिसकी वजह से इंजाइम सिर्फ एक ही टाइप का स्पेसिफिक रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं इस मॉडल का नुकसान ये था कि ये मॉडल सारे एंजाइम से एक्टिविटी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था दैट्स वाइन 1959 में कोस्ट लाइन ने एक और मॉडल प्रपोज किया जिसका नाम था इंड्यूस फिट मॉडल इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइड थी वो फ्लेक्सिबल है और जैसे ही सबस्ट्रेट आके अटैच होता है वो शेप जो है उसी सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है इस मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए आप लोग स्क्रीन पर आने वाले अपनी डायग्राम को देखें आप देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ने इंड्यूस किया एक स्लाइड चेंज इन द शेप ऑफ द एक्टिव साइड ताकि मॉलिक्यूल जो है वो उसके साथ आकर परफेक्टली अटैच हो जाए ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द एक्टिव साइड अलाउ द एंजाइम टू कैरी आउट मोर देन वन टाइप ऑफ रिलेटेड रिएक्शंस अब हम बात करते हैं फैक्टर्स डेट अफेक्ट एंजाइमेटिक एक्टिविटी हमेशा याद रखें कोई भी रिएक्शन जो होता है वो सर्टेन कंडीशन पर डिपेंड कर रहे होता है बिल्कुल इसी तरह एंजाइम्स जो हैं वो भी एक सर्टेन कंडीशंस पे डिपेंड कर रहे होते हैं फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर हर इंजाइम एक खास टेम्परेचर रेंज पर वर्क करेगा और उस टेम्परेचर रेंज को हम ऑप्टीम टेम्परेचर कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी के अंदर सारे इंजाइम थर्टी सेवन से लेकर थर्टी एट डिग्री तक अपना रिएक्शन परफॉर्म करते हैं फिर बात करते हैं पीएच की हर इंजाइम एक खास पी एच रेंज के अकॉर्डिंग काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल आपके स्टमक में मौजूद पेप्सिन इंजाइम एसिडिक पीएच के अंदर वर्क करते हैं फिर आती है इंजाइम कंसेंट्रेशन ये बात ऑब्वियस है कि जैसे ही आप इंजाइम की कंसनट्रेशन इंक्रीज करेंगे आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा और इसी तरह जैसे ही आप सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे आपका रेट ऑफ द इंजाइम इंक्रीज होगा बट एट अ सर्टन पॉइंट यानी एक सर्टन पॉइंट जहां पर सारी एक्टिवेटिव साइड फिलअप हो जाएंगी इंजाइम्स की वहां पर रिएक्शन जो है वो स्टैटिक हो जाएगा अब कहते हैं इनहिबिशन की बात करते हैं जब आप इनहिबिशन के वर्ड को देखें तो इनहिबिशन एक वर्ड से निकला है जिसका नाम है टू होल्ड बैक एंजाइम इनहिबिशन ये वो फिनना है जिसकी वजह से एंजाइम अपना इंजाइम रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता और इसकी रीज़न कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एंजाइम के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं या एंजाइम के साथ कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से एंजाइम अपने रिएक्शन को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकता देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशन कम्पेटेटिव इनहिबिशन नॉन कम्पेटेटिव इनहिबिशन एंड फीडबैक अब हम बात करते हैं कम्पेटिटिव इनहिबिशन की इस इनहिबिशन में जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल होता है वो करता है सबस्ट्रेट के साथ एक्टिव साइट के लिए और ये इनहिबिशन जो होती है ये होती है यानी कि थोड़ी टाइम के लिए होती है दूसरी आती है नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर इसके अंदर जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल होता है वो बेसिकली एंजाइम की एक्टिव साइट की बजाय उसकी एल्स्टेरिक साइट यानी कि उसकी एक्टिव साइट के अलावा जिसका बकाया स्ट्रक्चर होता है उसमें से किसी एक जगह जिसको हम एलस्टेरिक साइट कहते हैं वहाँ जाकर बाइंड कर जाता है और जब वो बाइंड करता है तो उसकी वजह से इंजाइम की एक्टिव साइट की जो शक्ल होती है वो चेंज हो जाती है और इंजाइम अपना रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता ये भी जो होते हैं समटाइम्स ये रिवर्सिबल होते हैं और समटाइम ये इरिवर्सिबल होते हैं फिर आती है हमारे पास फीडबैक इनहिबिशन फीडबैक इनहिबिशन ये वो इनहिबिशन होती है जिसके अंदर इंजाइम का एंड प्रोडक्ट ही उसको इनहिबिट कर रहा होता है आपकी बॉडी के अंदर मोस्टली फीडबैक इनहिबिशन होती रहती है इस केस में आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इंजाइम जो है इंजाइम की जो प्रोडक्ट बनी है प्रोडक्ट डी वो वापस जाके एंजाइम वन की एक्टिविटी को स्टॉप कर रही है अब हम बात करते हैं इंजाइम की क्लासिफिकेशन की ये बात तो हमने पढ़ ली कि इंजाइम जो है वो मिलियंस ऑफ जो है वो डेली बेसिस पे मिलियंस रिएक्शन परफॉर्म करें और उन सब को स्टडी करना साइंटिस्ट के लिए बहुत मुश्किल था इसलिए साइंटिस्ट ने इंजाइम्स को डिवाइड किया इनटू डिफरेंट कैटेगरीज इस क्लासिफिकेशन में सिर्फ दो क्लासिफिकेशन आपकी चैप्टर में मैंशन है पहली है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ योर रिएक्शन टाइप दूसरी है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ योर सबस्ट्रेट पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ योर रिएक्शन इसके अंदर क्या होता है कि जिस टाइप का रिएक्शन एंजाइम परफॉर्म करेगा उसको उसी ग्रुप में डाल दिया जाता है देयर आर टोटल सिक्स ग्रुप्स मेंशन इन योर चैप्टर पहला है हमारे पास ट्रांसफेरेस यानी कि ये ट्रांसफर करता है स्पेसिफिक ग्रुप को फिर आता है हाइड्रोलेसिस ये एंजाइम हाइड्रोलेसिस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं फिर है लाइएसिस लाइसिस मीन्स के ये इंजाइम ब्रेक डाउन करता है स्पेसिफिक बॉन्ड्स को फिर आता है आइसोमिरीजिस आइसोमिरीस वो इंजाइम होता है जो कि एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कर देते हैं फिर आता है हमारे पास ऑक्सीडो रिडक्टेज इंजाइम ये वो इंजाइम होता है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का फंक्शन परफॉर्म कराते हैं फिर आता है हमारे पास लाइगेसिस लाइगेसिस वो इंजाइम होता है जो कि दो आइसोमर या फिर दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ देते हैं अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ देयर सबस्ट्रेट यानी कि एंजाइम जिस सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करेगा उसको उसी ग्रुप में डाल दिया जाएगा इसके कॉमन एग्जाम्पल्स में हमारे पास प्रोटीएसिस होते हैं न्यूक्लियसिस होते हैं और लाइपेसिस होते हैं फॉर एग्जाम्पल हम प्रोटीएसिस की बात करते हैं हमारे स्टमक के अंदर जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है दैट्स वाई इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोटी और पेप्सिन एंजाइम का रोल ये होता है कि ये लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन को कन्वर्ट कर देता है इंटू स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन आई होप आपको मेरे आज के बताए हुए कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे दिस इज लाइव तारेफ फ्रॉम ट्यूटोरियल डॉट पी के साइन ऑफ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर अल्लाह हाफिज़